हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजीव टेक्निकल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल में 302 2 0 -2 0 1 1। ये एग्जांपल में मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, तो इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया। अब इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पर मैंने साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया 3 ऑर्डर का। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसका हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो जो प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे वही इस मैट्रिक्स में करेंगे। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, तो ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी वो या तो हम रो में करेंगे या फिर कॉलम में। ऐसा नहीं करेंगे कभी रो में कभी कॉलम में, या तो संपूर्ण प्रोसेस में रो में ही रखेंगे या फिर कॉलम में। तो यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस में जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वो रो में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें डायगोनल में बना होना चाहिए, और अपर ट्राइंगल और लोअर ट्रायंगल में जो एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए इसकी तरीके से। तो यहाँ पर ये जीरो में पहले से मिल रहा है, लेकिन यहाँ डायगोनल में जीरो है, तो डायगोनल में हम कोई डिजिट रखेंगे। तो ये थर्ड जो रो है जो उसको हम सेकंड रो में स्वैप कर देंगे और सेकंड को थर्ड में। तो यहाँ पर स्वैप R3 2 R2। तो यहाँ से जब रो हम इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो तो जैसी है वैसी रहेगी, यहाँ 0 1 1। थर्ड को सेकंड बना दिया मैंने, 2 0 -2, सेकंड को थर्ड। इसी तरीके से यही प्रॉपर्टी हमें इस मैट्रिक्स में यूज करेंगे, फर्स्ट जैसी है वैसी रहेगी और थर्ड को मैंने सेकंड कर दिया, सेकंड को थर्ड। अब यहाँ पे डायगोनल में 1 मिल गया मुझे और ये एलिमेंट 0 भी हो गया। अब ये जो एलिमेंट है थर्ड लोअर ट्रायंगल का, इसको भी हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें, अब यहाँ से R2 की सहायता से नहीं किया जा सकता क्योंकि 0 है, तो हम R1 की सहायता से इसको हम 0 करेंगे। तो इसको हम पहले 2 बनाएंगे, 2 बना करके 2 में से 2 जब घटाया जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R3 में से लेस करेंगे R1 को। अब R1 में जो है 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ऐसा करने से अब घटाने पर यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे हम। तो यहाँ पर ये तो नो चेंज, ये भी नो चेंज, R3 चेंज हो रहा है। अब इसमें से ये 2 बन गया, यहाँ घटाएंगे तो 0, 0 में मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एलिमेंट ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ये 2 है, इधर रफ्तार करेंगे हम, तो ये 2 है, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 का, ये हो गया 4/3। और -2 में से लेस हो रहा है, -2 -4/3, तो हो जाएगा 3 2 6 4 -10/3, तो यहाँ पर निकल के आया -10/3। यही प्रॉपर्टी इस मैट्रिक्स में लगाई जाएगी। तो यहाँ पर ये 1 है और R3 में से लेस किया जाएगा 2/3 का मल्टीप्लाई करके, तो ये R1 नो चेंज, R2 नो चेंज, यहाँ 0 में से जब 2/3 लेस करेंगे तो -2/3, और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं, 1, यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं, 0। अब यहाँ पर हमें लोअर ट्रायंगल में तीनों एलिमेंट 0 मिल गए, अपर ट्रायंगल में भी 0 करना है, तो पहले हम इसको 0 करेंगे। तो इसको 0 करने के लिए हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा, -1 बना देंगे, उसको ऐड कर देंगे R2 में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 बनाने के लिए हमें इसमें 3/10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R3 में, उसके बाद R2 में ऐड करेंगे, तो R2 हमें चेंज करना है, और R2 में ऐड कर रहे हैं R3 को, लेकिन 3/10 का मल्टीप्लाई करके। तो जब इसमें 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे -10/3 में, 3 से 3 और 10 से 10 कट हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 का 1 में जब ऐड करेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 R2 चेंज हो रहा है, तो R1 नो चेंज। अब यहाँ पर 0 0 है, इनका मल्टीप्लाई करने पर 3/10 में इनमें 0 ही रहेगा, तो ये नो चेंज,
यहाँ से ये माइनस वन हो गया, वन में ऐड करेंगे तो ये जीरो, और यहाँ जीरो जीरो माइनस टेन बाई थ्री। अब यहाँ पर ये जैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है वैसे ही यहाँ पे करेंगे, आर थ्री ऐड होगा थ्री बाई टेन का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर माइनस टू बाई थ्री है, आर वन जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। अब आर टू चेंज हो रहा है तो टू बाई थ्री में मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस टू बाई थ्री जो है उसमें थ्री बाई टेन का, थ्री से थ्री कट, टू फाइव या टेन, माइनस वन अपॉन फाइव, तो यहाँ पर निकल के आया माइनस वन अपॉन फाइव। वन में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा थ्री बाई टेन का और जीरो में ऐड करेंगे तो थ्री बाई टेन ही रहेगा यहाँ पे, जीरो में मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं, तो इसमें ये वन वन ही रहेगा। यहाँ पर माइनस टू अपॉन थ्री, वन जीरो। अब हमें लोअर ट्रायंगल में तीनों एलिमेंट जीरो मिल गए, अपर ट्रायंगल में दो जीरो हो गए, अब यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए, तो इसी आर थ्री की सहायता से ही करेंगे इसको भी जीरो। तो अगर यहाँ पर जीरो करने के लिए इसको हमें माइनस टू करना होगा, इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आर वन को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो आर वन में ऐड करूँगा मैं आर थ्री को, और लेकिन इसको माइनस टू बना करके, तो माइनस टू बनाने के लिए माइनस टेन अपॉन थ्री में मल्टीप्लाई किया जाएगा थ्री अपॉन फाइव का, थ्री से थ्री कट और फाइव टू या टेन, तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैंने थ्री बाई फाइव का आर थ्री में, तो इधर ये चेंज हो के आएगा, अब आर वन चेंज हो रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं, थ्री रहेगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा। माइनस टेन अपॉन थ्री, माइनस टेन अपॉन थ्री में मैंने मल्टीप्लाई किया थ्री बाई फाइव का, तो माइनस टू हो गया, जब टू में ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये नो चेंज, ये भी नो चेंज। अब यही प्रॉपर्टी इधर यूज की जाएगी, आर वन में ऐड करना है हमें आर थ्री को थ्री बाई फाइव का मल्टीप्लाई करके, तो नीचे ये है माइनस टू अपॉन थ्री, इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने थ्री बाई फाइव का, थ्री से थ्री कट, माइनस टू अपॉन फाइव बचा, तो माइनस टू अपॉन फाइव को जब वन में ऐड किया जाएगा तो वन माइनस टू अपॉन फाइव, फाइव पंच फाइव, टू लेस करेंगे तो थ्री अपॉन फाइव, तो यहाँ बचेगा थ्री अपॉन फाइव। ऐसा ही वन में मल्टीप्लाई किया जाएगा थ्री बाई फाइव का, जीरो में ऐड करेंगे तो थ्री बाई फाइव, जीरो में मल्टीप्लाई करने से ये जीरो ही रहेगा, और ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ये नो चेंज है, माइनस टू अपॉन थ्री, वन जीरो। अब यहाँ से ये अपर ट्रायंगल में भी तीनों एलिमेंट जीरो मिल गए हमें, अब ये डायगोनल इसमें वन होना चाहिए, तो पहले बीच में तो ये वन है, अब यहाँ पे वन करना है, इधर वन करना है मुझे, तो हमें ये आर वन जो है इसमें अगर हम थ्री का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो फिर इधर भी थ्री का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर से ये थ्री कट जाएगा, वन अपॉन फाइव, वन अपॉन फाइव बचेगा यहाँ पे, तो आर वन को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आर वन में मैंने थ्री का डिवाइड कर दिया, आर वन में थ्री का डिवाइड करके लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पे आर वन में थ्री का डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन आ जाएगा, और ये जीरो जीरो, और यहाँ पर जीरो वन जीरो नो चेंज, ये जीरो जीरो टेन अपॉन थ्री, सिर्फ आर वन को चेंज कर रहा हूँ मैं, थ्री का डिवाइड आर वन में किया है, तो यहाँ पर थ्री अपॉन फाइव था, थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन फाइव बचेगा, इधर भी थ्री अपॉन फाइव था तो यहाँ पर भी वन अपॉन फाइव बचेगा, इधर जीरो, और ये वन अपॉन फाइव नो चेंज, थ्री बाई टेन वन, आर टू आर थ्री नो चेंज, जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों वन हो गए, माइनस टेन अपॉन थ्री, इसको भी हमें वन करना है, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर थ्री में, आर थ्री चेंज करना है, वन बनाना है यहाँ पे, तो आर थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई टेन का, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस का बन लाना है हमें, तो ऐसा करने से इधर रफ्तार करता हूँ मैं, माइनस टेन अपॉन थ्री में अगर हम माइनस थ्री बाई टेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री कट हो जाएगा, टेन से टेन, प्लस वन बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर वन जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐसा इधर भी करेंगे हम, तो वन अपॉन फाइव लिखा है इसको मैं पॉइंट टू लिख सकता हूँ, वन अपॉन फाइव को भी पॉइंट टू लिख सकता हूँ, जीरो वन अपॉन फाइव माइनस का पॉइंट टू, थ्री बाई टेन पॉइंट थ्री, ये वन टू अपॉन थ्री, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस टू अपॉन थ्री में माइनस थ्री बाई टेन का, थ्री से थ्री कट, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू फाइव जा टेन, वन अपॉन फाइव, तो ये हो जाएगा पॉइंट टू, वन में मल्टीप्लाई किया जाएगा थ्री बाई टेन का माइनस का,
तो माइनस का 0.3 बचेगा यहाँ पे, और जीरो में मल्टीप्लाई करने से जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से ये हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 0.2, 0.2, 0, -0.2, 0.3, 1, 0.2, -0.3, 0। फ्रेंड्स, आपको वीडियो हमारा ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।